विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 पाठ 1 पाठ का नाम इतिहास जानने के स्रोत भाग 3। इतिहास जानने के स्रोत भाग 3 के अंतर्गत हम आज जानेंगे इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इससे पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को कौन सा इंक्लूसिव साइन टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही आगे के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और उसका उत्तर। पहला प्रश्न, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। इतिहास का अध्ययन मानव सभ्यता के क्रमिक विकास और प्राचीन काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। इतिहास मानव सभ्यता अध्ययन आवश्यक। दूसरा प्रश्न, ऐतिहासिक धरोहरें क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर, हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं वह धरोहरें कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न, हमें ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर, हमें अपने देश की प्राचीन
ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे हमें अपने देश और मानव सभ्यता के विकास और अतीत की जानकारी मिलती है। यह धरोहरें हमारे राष्ट्र की संस्कृति या संस्कृति की परिचायक हैं। इसलिए हमें अपने देश की प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा करना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षा परिचायक संस्कृति। अगला चौथा प्रश्न, ह्वेनसांग और फायान कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर, ह्वेनसांग और फायान चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग एक नाम, चीनी नाम, एक चीनी व्यक्ति का नाम। यह दोनों कौन थे? यह दोनों चीनी यात्री थे, चीनी यात्री। पांचवा प्रश्न, भीमबेटका की खोज किसने की? इस प्रश्न का उत्तर, भीमबेटका की खोज किसने की थी? उत्तर,
भीमबेटका की खोज। डॉक्टर बी श्री वा का रे का रे। डॉक्टर बी श्री बांकणकर, डॉक्टर बी श्री बांकणकर ने की थी। भीमबेटका, इसका संकेत भीमबेटका, भीमबेटका बीसरी बांकणकर एक पुरातत्व वेत्ता का नाम। आखिरी और छठा प्रश्न, पुरातत्व वेत्ता किसे कहते हैं, आइए जानें। पुरानी वस्तुओं, पुराने स्थानों की खोज करने और उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातत्व वेत्ता कहते हैं। पुरातत्व वेत्ता, फिर से पुरातत्व वेत्ता यानी पुरानी वस्तुओं स्थानों के बारे में सही तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातत्व वेत्ता कहते हैं। आज यह पाठ पूरा हो गया है। आपने इस पाठ को भाग एक, भाग दो और भाग तीन के अंतर्गत मुझे विश्वास से अच्छा समझा होगा। धन्यवाद।